हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इस पे बेस्ड लाइक मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं, इसका एमजीएफ कैसे निकालते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, प्लस एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जो प्रोबेबिलिटी पे 5 to 6 वीडियोज यहाँ अपलोडेड है, सो यहाँ पे मैंने रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, लाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करी थी, देन उसके बाद मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ दो वीडियोस लिए हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और स्टूडेंट, आज मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे IT12 यहाँ पे मेरे पुराने जितने भी वीडियोज है लाइक वो प्रोबेबिलिटी पे, और भी मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc वालों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ अपलोड कर रखा है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके और देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे उसका मीन और वेरिएंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपके मन में सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ेगी, हम यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ी, लाइक बाइनोमियल था तो फिर पॉइसन की जरूरत क्या पड़ी। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल और पॉइसन में जो मेन डिफरेंस होता है, बाइनोमियल के लिए क्या होता है कि जो एन होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, लाइक नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होनी चाहिए और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो 1/2 के आसपास होनी चाहिए। पर जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें ये होता है लाइक ऐसे केसेस जहां पे एन बहुत ज्यादा है और होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। लाइक अपन बात करते हैं कि डिफेक्टिव आउटपुट्स, तो कोई भी कंपनी डिफेक्टिव आउटपुट निकालना नहीं चाहती है, लाइक वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या फिर हम बात करें सुसाइड अटैक से, या फिर हम बात करें एक्सीडेंट की, या फिर हम बात करें प्रिंटिंग मिस्टेक्स की, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे एन बहुत ज़्यादा होता है और होने की जो संभावना है, लाइक मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स होने की संभावना, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी बंदा अगर टाइपिंग करा तो वो मिस्टेक्स अवॉइड करता है, राइट, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर बाइनोमियल से क्यों नहीं कर सकते, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं कि एक बंदा है जो दिन में लगभग 10,000 वर्ड्स लिखता है, ठीक है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक करने की वो 0.01 है, लाइक 0.01 कर दिया मैंने ना, मतलब बहुत कम है ये इसकी मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे पूछे कि भैया वो दिन में 5 मिस्टेक करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, 10,000 x देन 0.01 x एंड देन यहाँ पे 0.999 है ना, क्या है यहाँ पे 1000 - x, क्लियर है, 10,000 - x, राइट। अब मैं आपसे बोलूँ कि 5 मिस्टेक करे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ आएगा 10,000 c5 then 0.001 power 5 then 0.999 power 9995। तो स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे एरर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और वैसे भी आप कैलकुलेटर से इस टाइप की वैल्यू को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किससे करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, पॉइसन से करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे इसको करते हैं। तो हमें सीधी सीधी बात ये समझने की जरूरत है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाता है, जब एन बहुत ज़्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो, बहुत कम हो, तो ऐसे केसेस में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल आपको समझाया। अब देखिए यहां पे होता क्या है, लाइक अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहली बात तो मैं बता दूं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है, ठीक है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विच हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना, ये इसका प्रोबेबिलिटी मास PMF होता है ना, जहां पर x क्या होता है, 0 से ∞ होता है ना, ये वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल है। वैसे बाइनोमियल में क्या होता था, x0 to n होता था ना, फाइनाइट नंबर, ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। इट्स कॉल्ड पॉइसन वेरिएट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको भी समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड पॉइसन एंड व्हाई पॉइसन इज यूजिंग, बिकॉज n इज n क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में यहाँ बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा कि प्रूव दैट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो हम आगे लेते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यहाँ दे रखा है n टेंस टू इन्फाइनाइट, p टेंस टू 0 और np इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब यहाँ पे n इन्फाइनाइट होना चाहिए, p 0 के आसपास होना चाहिए, पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइसन को कन्वर्ज करेगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट क्या होता है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एक्स, है ना। और ये जो पी एक्स होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ क्या होता है, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस पी होती है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पुराना मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी किस पे लगाएंगे, हम बाइनोमियल पे लगाएंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये आएगा एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एन सी एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हम। सो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे हम पी पावर एक्स और इसको क्यू को हम लिख सकते हैं वन माइनस पी पावर एन माइनस एक्स। नाउ मैं इधर लेता हूँ। सो सुन देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। सो देखिए आप यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, अब यहाँ पे जो एन फैक्टोरियल है इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, लाइक खोलता हूँ इसको, तो एन एन माइनस वन मैं इसको खोलता हूँ, एन माइनस एक्स माइनस वन तक खोलता हूँ एंड देन मैं इसको लिख सकता हूँ एन माइनस एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा ये एक्स फैक्टोरियल, देन ये आएगा आपके पास एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, देन ये आएगा आपके पास पी पावर एक्स एंड वन माइनस पी पावर एन माइनस एक्स। पर स्टूडेंट आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है ये वाली कि एन पी इज इक्वल टू लैम्बडा, तो हम क्या करेंगे जो पी है इस पी की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाय एन होगी, राइट। तो ये जहाँ पे भी पी है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, लैम्बडा बाय एन रख देंगे। तो मैं रख ही देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पी की जगह कितना रखेंगे अपन, लैम्बडा बाय एन पावर एक्स और यहाँ भी रख देंगे अपन लैम्बडा बाय एन, राइट। मैं आपको बता दूँ जैसे अगर आपके पास 8c3 की वैल्यू है, तो 8c3 की वैल्यू क्या होती है, एट फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3, तो मैं लिख दूं इसको 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 8 माइनस 3 की वैल्यू क्या होती है, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन ये आता है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इस 8 फैक्टोरियल को अपन ऐसा खोल सकते हैं ना, क्या खोल सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 और ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, सेम मैंने यहाँ पे इसको किया है तो ये n माइनस x है, n माइनस x क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। सो वही हम कंसेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए आप स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको हम, सो ये सी कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, स्टूडेंट यहाँ पे मैं एन कॉमन निकालूंगा, हर एक में से क्या करूँगा एन कॉमन निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये अप टू कहाँ तक जा रही है, एक्स माइनस वन तक, वन तक टर्म जा रही है ना, पर ये एन और एक और है यहाँ पे, तो ये टोटल एक्स टर्म है, वन टू ऐसे एक्स ब्रैकेट्स है। तो जैसे ही हर एक ब्रैकेट्स में से एन एन कॉमन निकालेंगे, लाइक मैं आपसे बोलूं कि एन एन माइनस वन, अगर मैं यहां से एन कॉमन निकालूं तो कितना आएगा, वन अपॉन वन बाय एन। अगर मैं यहां पे बोलता कि एन माइनस टू और है, तो यहां पे एन क्यूब कॉमन निकलता और वन माइनस टू बाय एन आता, राइट। तो अल्टीमेटली जितने भी हैं यहाँ पे वन टू अप टू एक्स माइनस वन है, तो एन कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एन पावर एक्स हो जाएगा ना, वन अपॉन वन बाय एन, देन चलता रहेगा कितना आएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा ये एक्स फैक्टोरियल, देन आप इसको लिखोगे लैम्बडा पावर एक्स एन पावर एक्स वन माइनस लैम्बडा बाय एन अपॉन एन माइनस एक्स। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एन पावर एक्स है, एन पावर एक्स क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, इस एन की जगह अपन इन्फाइनिट रखेंगे तो वन अपॉन इन्फाइनिट क्या होता है जीरो होता है। तो ये स्टूडेंट ये जीरो हो जाएगा, सब जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, वन 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 बचेगी। तो ये आएगा लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटिव, सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी वन अपॉन एक्स फैक्टोरियल और यहाँ पे ये आएगा लैम्बडा पावर एक्स, मैं इसको लिखूंगा वन अपॉन लैम्बडा बाय पावर एन एंड वन माइनस लैम्बडा बाय पावर माइनस एक्स, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए आप, है ना। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो एन टाइम्स टू इन्फिनिटिव है ये यहाँ भी जाएगा, दिस इज एन, राइट। सो एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे इस पर भी लगाएंगे और इस पर भी लगाएंगे, तो ये जो लैम्बडा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल तो बाहर आ जाएगा। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में अलग अलग कर देता हूँ इसको, तो माइनस लैम्बडा बाय एन पावर एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस लैम्बडा बाय पावर एन माइनस एक्स। तो जैसे हम यहाँ पे एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वन की पावर कुछ भी हो तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है। और यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो हम जानते हैं स्टूडेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e की पावर माइनस लैम्बडा के बराबर होती है। सो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये कौन सा आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, दैट इज लैम्बडा एक्स e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं,
प्रूव करते हैं. सो नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शो दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन लाइक एन टेंस टू इन्फिनिटी, पी टेंस टू जीरो और एनपी इज इक्वल टू लैम्बडा. और स्टूडेंट इससे अगले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस निकालते हैं और एमजीएफ निकालते हैं. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और बने रहिए मेरे साथ, आगे बहुत भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ. लास्ट वाला जो मेरा ये स्क्रीन आ रहा है इसके अंदर मेरे पुराने सभी वीडियोज के अपलोडेड है, सो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.